दोस्तों, मैं हूँ अंजनी और आज मैं आप लोगों को तुलसी विवाह की कथा सुनाने जा रही हूँ। हम सब जानते हैं कि तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान से कराया जाता है, लेकिन ये विवाह क्यों कराया जाता है, आज एक कथा के माध्यम से ये बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जगते हैं और अपना कार्यभार फिर से संभाल लेते हैं। ये पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है, जिसके बाद से शादी, बच्चों के मुंडन जैसे शुभ कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। इसी दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान से कराने की परंपरा है। शालिग्राम जी को भगवान विष्णु का ही रूप माना गया है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो मान्यता ये है कि इस विवाह से कन्यादान जैसा फल मिलता है, साथ ही वैवाहिक जीवन भी खुशहाल बना रहता है। तो शालिग्राम से तुलसी जी का विवाह क्यों कराया जाता है, आज जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक समय जलंधर नाम का एक पराक्रमी असुर हुआ करता था। इसका विवाह वृंदा नामक कन्या से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। इसके पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर अजय हो गया। इसने एक युद्ध में भगवान शिव को भी पराजित कर दिया। अपने अजय होने पर इसे अभिमान हो गया और स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में जा पहुँचे और जलंधर के आतंक को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति छीन हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण बहुत लज्जित थे। अतः वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर के रूप में प्रकट किया, जो कि शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिया श्राप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राग से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पतिव्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाने लगा। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त हुआ था। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है और उनके दूसरे रूप यानी कि भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद भी तुलसी पत्ता के बिना अधूरा माना जाता है। तो बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु को स्वीकार नहीं होता है। तो ये कहानी है जिसकी वजह से हम आज तक तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से करवाते आ रहे हैं और ये हमारी पौराणिक कहानी है जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में भी किया गया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है और कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु।